दोस्तों स्वागत है आपका द ब्यूटीफुल नेचर पर। दोस्तों ये है स्पाइडर प्लांट और इनमें से बहुत से रनर जो है वो निकलते हैं। इस तरीके की छोटे छोटे बेबी प्लांट इसके बनते हैं। तो जब तक ये मिट्टी या फिर पानी के कंटेक्ट में नहीं आते तो ये प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं करते। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनको बिना कोई नुकसान पहुँचाए बिना काटे इनको पानी में कैसे ग्रो करें। अगर हम इसको काट कर ग्रो करते हैं तो ये पौधा जो है वो थोड़े दिनों के लिए स्ट्रेस में जाएगा क्योंकि ये अपने मदर प्लांट से अलग हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ये ग्रो होना शुरू करेगा। तो इसको पानी में ग्रो करने के लिए मेरे पास है ये एक फ्लावर पॉट है। तो ये देखिए इसकी कर्व्ड नेक जो है वो इसकी सहायता करेगी इसको विद रनर के साथ ग्रो करने में। तो अब क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा पहले पानी आपने डाल लेना है। तो दो पॉट हैं मेरे पास, हमने दोनों में पानी इसमें फिलअप कर लेना है। तो अब देखिए अगर हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे तो ये टिकेगा नहीं, इस पर ये इधर उधर हो जाएगा। तो क्या करना है कि आपने इस पौधे को और इस रनर को दोनों को आपने जेंटली बड़ी केयरफुली पकड़ के इसमें आपने ऐसे डिप कर देना है। तो ये अब हमने डिप कर दिया है। तो इसी तरीके से हमने दूसरे पॉट में भी ऐसे ही प्लांट को लगाना है। तो उसके बाद अब हम इसको इस तरीके से लगा के इसको छोड़ देंगे और देखते हैं कि इनका रिज़ल्ट 24 घंटे बाद जो है इनका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट चाहिए वो इस पानी से और ये जो इसका रनर है ये मिट्टी के थ्रू इसको मिलते रहेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत जल्द ग्रो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पौधे को किसी किस्म की कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि हमने इसकी कटिंग नहीं की है। और बहुत जल्द ये रूट बनाकर एक हफ्ते के अंदर इसकी जड़ें जो हैं वो बॉटम को टच कर जाएंगी। तो अब 24 घंटे बीत चुके हैं, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको हम अभी मात्र 24 घंटे हुए हैं और इनकी रूट्स जो हैं वो आपको दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। रूट जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी रूट्स डेवलप जो है वो हो रही हैं। तो अगर हम ये पौधा काट के लगाते तो ये रूट्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती। तो क्योंकि इसको इसके मदर प्लांट के जरिए और प्लस पानी के जरिए इसको जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट चाहिए वो सभी इसको मिल रहे हैं, इसीलिए ये बहुत जल्द जो है वो मात्र 24 घंटे में ही इसने इतनी ग्रोथ कर ली है। और अब बहुत जल्द जो है ये इसकी रूट्स जो हैं वो इसके बॉटम को टच कर जाएंगी। तो ये था तरीका दोस्तों कि आपने इसके पौधे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कटिंग किए किस तरीके से आपने इसको ग्रो करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये ग्रो करने का और ये हमारा प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी होगा। तो इसी जानकारी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।